हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ एन यंग साइंटिस्ट एंड आज के स्टूडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक लिथियम बैटरी चार्जर। आज के स्टूडियो में मैंने ये लिथियम बैटरी चार्जर कैसे बनाया इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहे। ये वीडियो बनाने के लिए हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि 12 वी ट्रांसफार्मर, 100 के रेजिस्टर, 1 डायोड, 1 पावर बैंक मॉड्यूल एक्सेट्रा। सो दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा एक ट्रांसफार्मर। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का यूज़ कर रहा हूँ, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी एक 100 के रेजिस्टर। मैं यहाँ पे 100 के रेजिस्टर ले रहा हूँ। दोस्तों, अभी आपको ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक डायोड का यूज़ करना है। मैं भी यहाँ पे एक डायोड का यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक पावर बैंक मॉड्यूल का यूज़ करने वाला हूँ। ये पावर बैंक मॉड्यूल हमने एक प्रोटेक्शन सर्किट के हिसाब से दिया है। ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें ये सब कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अभी हमारा ये जो डायोड है, हमें ये ट्रांसफार्मर के फर्स्ट वायर के साथ इसे सोल्डर कर लेना है। दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे एक रेजिस्टर ले रहा हूँ, मैं इसे ये ट्रांसफार्मर के सेकेंड वायर के साथ सोल्डर कर लेता हूँ। दोस्तों, अभी ये दोनों कंपोनेंट अच्छे से सोल्डर हो चुके हैं। दोस्तों, ये पावर बैंक मॉड्यूल का जो ऊपर का पार्ट था, मैंने इसे निकाल लिया है। अब ये पूरा प्लेन हो चुका है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है, मैंने इसे पावर बैंक मॉड्यूल के साथ सोल्डर कर लिया है। आप इसके पीछे की साइड भी देख सकते हैं, मैंने इसे अच्छे से सोल्डर कर लिया है। अभी हम ये पावर बैंक मॉड्यूल का जो B+ और ये B- है, हम इसे भी सोल्डर कर लेंगे। दोस्तों, अभी हमारा ये जो सर्किट है चार्जर का, वो पूरा रेडी हो चुका है। अभी हम इसे टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे एक 2-पिन प्लग ले रहा हूँ। हमें ये 2-पिन प्लग को ये ट्रांसफार्मर के वायर के साथ ज्वाइन करना है, आप देख सकते हैं। मैंने इसके दोनों वायर्स ये ट्रांसफार्मर के साथ अच्छे से ज्वाइन कर लिए है। दोस्तों, अभी हमने इसके ऊपर एक 2-पिन प्लग भी ज्वाइन कर लिया है। अभी हमारा सर्किट पूरा रेडी है, सो हम इसे टेस्ट करेंगे। दोस्तों, अभी मैं इसका बटन ऑन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसकी चार्जिंग बहुत अच्छे से हो रही है। अगर आपको भी आपकी बैटरी चार्ज करनी होगी तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू। सो दोस्तों, अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और ऐसी साइंस के रिलेटेड एक्साइटिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब टू अन यंग साइंटिस्ट।